हेलो एवरीवन, आशा का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने ये 8 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिनको मैंने उबाल के छील लिया है। ये मैंने सरसों तेल, 3 प्याज का पेस्ट लिया है, ये नमक, ये अदरक लहसुन और कुछ साबुत खड़े मसाले, जो है गर्म मसालों का पेस्ट लिया है, ये साबुत खड़े मसाले लिए हैं, कसूरी मेथी, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये दही और इसमें हल्दी, सब्जी मसाला और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले अब हम गैस चलाएंगे। और इसमें 2 चम्मच सरसों तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है, तब तक हम आलू में बीच बीच से ये चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये हल्दी डालेंगे और अब इस आलू को इसमें अच्छे से फ्राई कर देंगे। गोल्डन कलर आने तक हम भून लेंगे। इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट तक का टाइम लगेगा। ये आलू फ्राई हो गया, हम इसे अब निकाल देंगे। अब 2 चम्मच और हम सरसों का तेल डालेंगे, इसमें ये सारे खड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैंने साबुत धनिया और सौंफ भी लिया है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये जो आलू है फ्राई किया हुआ, अब हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे और ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स करके हम छोड़ देंगे। अब मैंने भून लिया, अब हम ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे। ये 5 मिनट हो गया है, प्याज वगैरह अच्छे से भून गया है। और हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच सब्जी मसाला इसे डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए लगातार अभी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये अच्छे से भून गया है मसाला। अब हम इसमें पहले पानी डालेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन बंद करके पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गया। अब गैस का फ्लेम लो करके इसमें ये आलू को डाल देंगे। और इसे लगातार चलाएंगे क्योंकि मैंने आलू में दही डाला हुआ है, नहीं चलाएंगे तो वो दही फट जाएगी। इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें अभी उबाल ना आ जाए।
लाल आने लगी है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक हम पकने देंगे। हमने ये लीड बंद कर दिया, ये 5 मिनट तक पकेगा। ये देखिए 5 मिनट हो गया, कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इसकी प्लेटिंग कर लिया है मैंने। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।